भैया जब जब लाखों लोगों की नियुक्ति का हम रास्ता खोल रहे हैं तो आप न्यायालय वादों में फंसाना चाहते हैं। सीधी सीधी बात है कि आरक्षण को लगा करके कम से कम 60% बच्चे तो सीधे आरक्षित होंगे और फिर आगे के जो सीट है उसमें 80-90% हमारे बच्चे आएंगे, तो 2 लाख में 1,60,000 के आसपास हमारे बच्चे आएंगे। लोगों को तैयारी में लगनी चाहिए। शिक्षक बहाली को लेकर इन दिनों संग्राम छिड़ा हुआ है। नई शिक्षक नियमावली के लागू होने के बाद से लगातार अभ्यर्थी इसमें संशोधन की मांग कर रहे हैं। तो इसी बीच डोमिसाइल नीति को हटाने के बाद से अभ्यर्थियों का उग्र प्रदर्शन देखने को मिला। पहले डोमिसाइल नीति लागू की गई, फिर अचानक से उसे हटाए जाने के आदेश से अभ्यर्थियों में गुस्सा साफ तौर पर देखा गया। तो इसी बीच बिहार के शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उन्होंने कहा कि बीजेपी इस पर स्टे लगवाना चाहती है। साथ ही उन्होंने कहा कि 2.25 लाख सीट में 1,60,000 अभ्यर्थी हमारे होंगे, बाकी 10,000 ही बाहरी परीक्षा देंगे। जिनको 18 करोड़ देना था भाईजान, वो करोड़ों लोगों की नौकरी ले लिया, आखिर कौन लोग गए हैं न्यायालय में? न्यायालय वादों में फंसा करके नियुक्ति को जो रोकना चाहते हैं वही तत्व हैं इस काम में लगे हुए। कम से कम मैं उम्मीद करता हूं 1,75,000 या 78,000, 2 लाख के आसपास बहाली है, 1,60,000 बच्चे हमारे आएंगे, चिंता मत करो। मैंने ये कब कहा? हर जगह की नीति है। मेरा ये कहना है कि जो तत्व न्यायालय वादों में गए हैं उसकी मंशा क्या है नियुक्ति रोकने का? लोग को ईर्ष्या है, इसमें बीजेपी शामिल है कि भाई 2.25 लाख लोग की नौकरी होगी, सीधे शिक्षक भर्ती होंगे, उन लोगों से सवाल करिए ना, 18 करोड़ का क्या हो गया? जब लाखों लोगों की नियुक्ति का हम रास्ता खोल रहे हैं तो आप न्यायालय वादों में फंसाना चाहते हैं। सीधी सीधी बात है कि आरक्षण को लगा करके कम से कम 60% बच्चे तो सीधे आरक्षित होंगे और फिर आगे के जो सीट है उसमें 80-90% हमारे बच्चे आएंगे, तो 2.25 लाख में 1,60,000 के आसपास हमारे बच्चे आएंगे। लोगों को तैयारी में लगनी चाहिए, राजनीति में नहीं लगनी चाहिए। तो सुना आपने, अब देखना होगा कि शिक्षा मंत्री के इस वादे और दावों में कितना दम है। पटना से शशिभूषण कुमार की रिपोर्ट, बिहार तक।